सीबीएसई ने छात्रों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार भी लड़कियों ने यानी कि छात्राओं ने बाजी मारी है। परीक्षा में 94.54% लड़कियां पास हुई हैं और 91.25% लड़के पास हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट इस बार भी अच्छा रहा। इसका परसेंटेज इस बार रहा 98.93। वहीं केंद्रीय विद्यालयों का रिजल्ट 97.04 रहा। इस साल रिजल्ट में सभी जोन्स में त्रिवेंद्रम सबसे ऊपर रहा है। तो वहीं 12वीं की परीक्षा में पास हुए सभी छात्र छात्राओं को सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए बधाइयां भी दी हैं। हमारे संवाददाता गगन है हमारे साथ। गगन, आज रिजल्ट आउट हुआ है 12वीं क्लास के बच्चों का, कैसा कुछ उत्साह है बच्चों के अंदर? बिल्कुल केशव, देखिए बताना चाहूंगा कि लंबे अरसे के बाद जिस तरह से सीबीएसई ने रिजल्ट जो निकाल दिया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक ट्रेंड भी बन चुका है कि लड़कियां बाजी मारती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से पूरी खुशी की लहर बनती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ जो छात्राएं भी मौजूद है जिन्होंने 94-96% जो है नंबर प्राप्त किया। क्या नाम बेटा आपका? वंशिका। तो क्या कितने परसेंटेज आपके नंबर आए? मेरे 96.4% आए। तो कैसा लग रहा है आपको, कितने अच्छे नंबर लेकर आए आप? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा हो गया। मेरे पापा का शुरू से ड्रीम था कि आई शुड टॉप द स्कूल, तो आज मैंने स्कूल टॉप करा है, तो आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आगे क्या कुछ बनना चाहोगे? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। मेरा शुरू से जैसे ही मैं 11th में एंटर हुई तो मुझे टीचर्स ने बताया कि जब आप कॉमर्स लेते हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, तो मेरा ड्रीम रहा कि यस आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने हमेशा से उसके सपने देखे हैं, तो होप सो कि मैं भी एक दिन बन जाऊँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरा वो भी ड्रीम पूरा हो जाए। बिल्कुल कैसे, हमारे साथ और भी देखिए छात्राएं मौजूद है। क्या नाम आपका? तो कितने परसेंटेज आपको नंबर आए? मेरे 92.4 आए हैं। तो कैसा लग रहा है फैमिली में, किस तरह का माहौल बना हुआ है? और तो मेरी फैमिली में सारे बहुत खुश हैं। मेरी मम्मी यहाँ पे है, वो भी बहुत खुश है, और मेरे पापा अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी पक्का बार बार फोन कर रहे हैं घंटों में, बोले कहाँ है, घर आई, यानी पूछते ही जा रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल केशव, देखिए हमारे जो टीचर्स भी मौजूद है उनसे भी जानेंगे कि छात्राएं हैं जो बाजी मार चुकी हैं और कैसा फील कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर? एनसी बिंदल। तो सर क्या कहना चाहेंगे, हमारे छात्राओं ने इतने अच्छे रिजल्ट प्राप्त करे, आपके बारे में बाजी मार चुकी है? नो डाउट गर्ल्स ने टॉप किया है, लेकिन हमारे स्कूल में 150 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इन 4 स्ट्रीम्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स एंड आरसीज में से वंशिका ने 96.4% मार्क लेके स्कूल को टॉप किया है। उन्ती ने 95% मेडिकल में टॉप किया है। अश्मित एक लड़का है, उसने 93.6% मार्क्स लेकर टॉप किया है, और श्रीजा ने 92.4% आर्ट्स में लेकर टॉप किया है। और हमारे अबव 90-18 है, हमारे अबव 80-64 है, अबव 75-92 है, और हमारे 140 स्टूडेंट्स ने 60% मार्क्स लिए हैं। एक बच्चे ने हमारे 100% मार्क्स अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडीज में लिए हैं, और 4 बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन में 100% मार्क्स लिए हैं। हमारे साथ और भी देखिए टीचर्स मौजूद हैं, कैसा लग रहा है कि बच्चे इतने अच्छे नंबर से लेकर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आज का रिजल्ट देखकर हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, और इसका जो श्रेय है यहाँ के अनुशासित माहौल पर है, और यहाँ पे गुणवत्ता एजुकेशन जो दी जा रही है, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है, उसका मैं श्रेय कहूंगी हमारे प्रिंसिपल महोदय और यहाँ के मेहनती स्टाफ को है, और सभी पेरेंट्स को हम हार्दिक बधाई देते हैं और बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बिल्कुल केशव, देखिए एक और टीचर हमारे साथ मौजूद है। तकरीबन देखा जाए तो लड़के भी कम नहीं नजर आ रहे हैं आपकी बार जो है रिजल्ट में, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे बॉयज भी हमारे में बहुत अच्छे हैं। बच्चे ने टॉप किया है, एक लड़के ने हमारे स्कूल में, तो नॉन मेडिकल में, लेकिन सब फिलहाल देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम बहुत खुश हैं कि बच्चों ने अपने स्कूल का नाम, अपने टीचर्स का नाम रोशन किया है। बिल्कुल केशव, देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स की बात की जाए तो, घर वालों की बात की जाए तो खुशी के लिए माहौल बना हुआ है सभी जगह। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है गगन, लेकिन मैं चाहूंगा टीचर्स आपके साथ मौजूद हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं आ पाए जितने वो उम्मीद कर रहे थे, कुछ ऐसे भी हैं जिनको आज सफलता भी नहीं मिल पाई है, मैं चाहूंगा उन्हें भी थोड़ा सा गाइड टीचर्स अगर करें तो बहुत बेहतर होगा। गगन,
जी बिल्कुल, देखिए मैं जानना चाहूंगा क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो अच्छे नंबर्स नहीं लेते आप नहीं, ऐसी तो बात नहीं है भी करना चाहिए क्या? पढ़ाई में सिक्के के हर दो पहलू होते हैं, उन्होंने अपीयर किया है बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते। हमारे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, ऐसा कोई नहीं 60 से बिलो हमारा कोई बच्चा नहीं है। 150 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे जिनमें से 140 के तो अबव 60 मार्क्स हैं, और जिनके बाकी जो 10 बच्चे हैं वो 58-56 हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी मेहनत की है। बिल्कुल देखिए केशव, कि हर एक बच्चे ने पूर्ण तरीके से जो है मेहनत करी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 91% जो है बॉयज का भी रिजल्ट वो अच्छा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गगन आपका हमारे साथ जानकारियां साझा करने के लिए। इन बच्चों को क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ उनके सपने हैं भविष्य को लेकर, वो सब कुछ बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी शुभकामनाएं हैं उन तमाम विद्यार्थियों को, उन तमाम छात्राओं को जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए और एक ऊंची उड़ान भरने की दिशा में उन्होंने अपने पंख फैलाए हैं। पूरा खुला सागर, पूरी दुनिया उनके सामने है, वो अपने हौसलों की उड़ान भर सकते हैं। और जो उत्तीर्ण नहीं कर पाए, जो पास नहीं हो पाए, उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है अपनी कमियों को पहचानने की और दोबारा से नई दिशा में प्रयास करने की। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जो है वो आज घोषित हुआ है।